हम सभी के ऊपर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। कई साधक गण अक्सर महाराज जी से ये प्रश्न करते थे कि महाराज जी, आप हमारे दुखों का अंत कब करेंगे? आज भी ये प्रश्न कई भक्तों के हृदय में उठता है। तो आइए आज के इस विशेषांक में हम इसी बात पर चर्चा करते हैं कि मनुष्य के दुखों का अंत आखिर कैसे संभव है। महाराज जी कहते हैं कि आप अपने आप को ईश्वर के चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पित कर दें, बिल्कुल वैसे जैसे कि आपका खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है। आप खुद कुछ हैं ही नहीं, जो कुछ भी है वो ईश्वर ही है। आपके द्वारा नित्य जीवन में होने वाले हर कर्म के कर्ता प्रभु स्वयं हैं। अतः उस प्रत्येक कर्म से उत्पन्न होने वाले परिणाम, फिर चाहे सुख हो या दुख हो, वो भी केवल आपका नहीं हो सकता है। जो व्यक्ति जैसा करता है वो वैसा ही सुख या दुख भोगता है, इस बात को कुछ देर के लिए भूल जाइए और अपने आप को दुख का आरोप मत दीजिए। जगत में दुखों के कारण को समझने के लिए सर्वप्रथम अपने आप को जानना आवश्यक है। आपके दुखों का अंत फिर स्वतः ही हो जाएगा। आप अपने आप को ईश्वर का अंश जानिए और खुद को उनसे हमेशा जोड़ के रखिए। प्रभु चरणों में अपने आप को पूरी तरीके से बेबाक होकर समर्पित कर दीजिए। फिर कौन सा दुख या कौन सा सुख जो ईश्वर दे दें, वही सर्वोत्तम है। अब जैसे संत मीराबाई का जीवन था, मीराबाई ने अपना जीवन श्री कृष्ण के प्रेम में न्योछावर कर दिया था। उनके इस भक्ति मार्ग में उन्हें अनगिनत दुख और यातनाएं उठानी पड़ी, पर ये जो दुख थे, ये जो परिस्थितियां थीं, क्या वास्तव में वो मीरा जी के लिए दुख थे? देखने वालों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए मीरा की परिस्थितियां दुख शब्द से परिभाषित अवश्य होती हैं, परंतु मीराबाई, उन्हें तो ये दुख कभी छू भी नहीं पाए। वो तो सदैव हर स्थिति में केवल आनंद की ही स्थिति में रहती थीं। उन पर होने वाले किसी भी अत्याचार का उन पर कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता था और ना ही कभी वो विचलित होती थीं, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ भगवत वासुदेव के प्रेम में समर्पित कर दिया था। तेरा तुझको ही अर्पण, क्या लागे मेरा। आपके दुखों का कारण आपके बाह्य जीवन में नहीं है, बल्कि वो आपके अहंकार के ही रूप में आपके भीतर विराजमान है। सारे दुख अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं, उसके साथ फिर आपकी सारी परेशानियां भी आती हैं। असल में दुख का कारण आपके अंदर ही है और आप बाहरी घटनाओं पर केवल उसके होने का आरोप डाल रहे हैं, जिसे वास्तव में कुछ बदलने वाला नहीं है। बिल्कुल इसी प्रकार बाहरी घटनाओं को कारण मानकर उससे होने वाले सुख भी आपके साथ ज्यादा देर के लिए नहीं है। फिर किस बात का अहंकार करना है? ना सुखी अपने हैं, ना दुखी अपने हैं। आप वास्तव में परम ईश्वर के अंश हैं। धरती पर आपका जन्म हुआ है तो आप ये बिल्कुल न जाने कि आप ईश्वर से अलग हो गए हैं। खुद को प्रभु से जोड़ करके ही रखें, महाराज जी से जोड़ के रखें। अपने जीवन की डोर महाराज जी के हाथों में सौंप दें। किसी बात की कोई चिंता ना करें, सब कुछ महाराज जी के श्री चरणों में अर्पण कर दें। कर्म करने के लिए मार्गदर्शन भी उन्हीं से मांगे, कर्म के कर्ता भी वही हैं। खुद को केवल निमित्त जानकर कर्म करें और फिर उस कर्म से मिलने वाला परिणाम, फिर चाहे सुख हो या दुख हो, उसे भी महाराज जी को ही समर्पित कर दें। देखिए, हम सभी संसार में रहते हैं और संसार दुखालय ही है, यहां दुखों का ही निवास है। तो दुखालय में रहकर हमारा सामना दुखों से नहीं होगा तो फिर किससे होगा? जैसे कि हम अगर किसी नाले के पास खड़े हों तो उसकी दुर्गंध तो हमें आएगी ही। ये नहीं हो सकता है कि पास खड़े रहकर हम उस दुर्गंध से बचे रहें। ये धरती मृत्यु लोक है, जो यहाँ आए हैं उन्हें जाना ही है,
कोई पहले जाए कोई बाद में जाए, पर जाना सभी को है। अपने अपने कर्म करके अपना अपना प्रारब्ध भोग कर हम सभी चले जाएंगे। महाराज जी के वचन हैं कि ये संसार दुखों का बाजार है और आपको यहाँ से गुजरना है। यहाँ सुख केवल एक भ्रम है, सुख का रूप लेकर दुख ही हमारे जीवन में आता है। ऐसा समझिए कि दुख ही है पर उसके ऊपर जो लेबल है वो सुख का लगा हुआ है। इसलिए सत्य यही है कि संसार में हर तरफ दुख ही है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप जब इस दुख के बाजार से गुजर रहे हो तो आप कैसे गुजरते हो, दुख के खरीदार बनकर या फिर केवल एक यात्री बनकर। महाराज जी अपने सभी भक्तों को यही कहते थे कि संसार में केवल एक ही दुख है कि पल पल हमारी जो सांस है वो बेकार जा रही है और हम प्रभु नाम का जाप नहीं कर पा रहे हैं। शेष सारा कुछ तो प्रभु कृपा से चल ही रहा है और चलता ही रहेगा। संसार में हमारा जन्म केवल एक काम के लिए ही हुआ है। ये अमूल्य जीवन जो ईश्वर ने दिया है उसका केवल एक ही उद्देश्य है, जब तक सांस चल रही है राम राम करते चलिए। अगर ये नहीं है तो फिर भारी दुख है, और अगर राम साथ हैं तो दुख भी दुख नहीं है, केवल एक समय मात्र है जो आया ही है कट जाने के लिए। जिस तरह आप किसी पुस्तकालय में जा करके लड्डू देने के लिए जिद नहीं कर सकते, उसी प्रकार दुखालय में भी जन्म लेकर आप केवल सुख की अपेक्षा नहीं कर सकते। इसलिए इस संसार में जीवन जीने का केवल एक उपाय है, जिसने ये दुखालय का निर्माण किया है उसी के शरणागत हो जाइए और उन्हीं के नाम का सुमिरन करते रहिए। उन्हीं की सेवा और प्रेम में इतने मगन हो जाइए कि हर परिस्थिति में उनकी ही लीला दिखने लगे। इस प्रकार से न केवल जीवन सुखमय हो जाएगा बल्कि दसों दिशाएं सुखमय लगने लगेंगी। एकमात्र महाराज जी का भरोसा करके राम राम का जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। पवन पुत्र श्री हनुमान जी स्वयं आपकी रक्षा करेंगे, कोई आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। सब सुख लहें तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री गुरुदेव अपनी शरण में आए हुए को कभी अनदेखा नहीं करते हैं। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, और जैसी भी परिस्थिति हो उसमें प्रभु को हमेशा याद करें, उनका सुमिरन करते रहें, प्रार्थना नाम जप करते रहें। प्रारब्ध आएगा और प्रभु कृपा से गुजर भी जाएगा। श्रीमद् भागवत में भी यही बात लिखी है कि जो प्रतिपल ये सोचता है कि हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है और नाम जप करता रहता है और आए हुए प्रारब्ध के सुख दुख को सह लेता है, उसको भगवत प्राप्ति अवश्य हो जाती है। दुख सुख को जैसा भगवान भेज रहे हैं उसे चुपचाप सहते जाइए, क्योंकि दुख तो सबको आता है, बड़े बड़े महात्माओं को भी आता है, संतों को भी आता है। प्रारब्ध भोग किसी को नहीं छोड़ता है, पर जब हम भगवान का सहारा ले लेते हैं, महाराज जी का सहारा ले लेते हैं, राम राम कीर्तन करते हैं, तो उस प्रारब्ध का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता है, वो आता है और महाराज जी के कृपा से कट भी जाता है। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम राम राम, हरे राम राम राम, हरे